पंजाब हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन एवं धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी भरा पत्र राजकीय रेलवे पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। यह पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से प्राप्त हुआ बताया जा रहा है। इस पोस्ट की पत्र को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। जांच यह भी हो रही है कि क्या वास्तव में किसी बड़े संगठन ने यह पत्र लिखा है या किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर लिखा है दहशत फैलाने के लिए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मंथन कर रहे हैं इस सारे मामले में, लेकिन दूसरी तरफ कोई लापरवाही भी नहीं बरती जा रही। प्रयास किया जा रहा है उन लोगों तक पहुंचने का जिन्होंने यह पत्र लिखा है। पत्र की भाषा, पत्र की बनावट कुछ अटपटी सी है, सीधी साफ लिखाई भी नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है विभिन्न धाराओं में, और आरोपी जो पत्र लिखने वाला है, भेजने वाला है, उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए पत्र, पत्र में हरियाणा पंजाब के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस इस मामले को बहुत आज स्टेशन मास्टर राजेंद्र कुमार जी हमारे यहाँ, तो उनके पास एक रजिस्टर्ड बाय पोस्ट लेटर आया, जिसमें रेलवे स्टेशन जगाधरी वर्कशॉप और थर्मल प्लांट और अन्य भी सोनीपत पानीपत कालका कई स्टेशनों का उसमें विवरण है। तो उनको दिवाली पे 15 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी है। नहीं, धार्मिक स्थल लिख रखा, कोई पर्टिकुलर कोई मंदिर चिन्हित नहीं किए उन्होंने, उस पर धार्मिक स्थल लिखा है। किस संगठन की है ये लेटर? ये फिलहाल तो उन्होंने नीचे तोयबा लक्षर लिखा हुआ है, बाकी वो वेरीफाई करने का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जैसा भी जो बीच कोई में मामला वगैरह दर्ज किया? हाँ, इस संबंध में मुकदमा नंबर 40 और अंडर सेक्शन 124A 505 और 507 IPC जो कंसर्न रिलीवेंट जो सेक्शन है उनका मुकदमा दर्ज किया गया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेटर मिल ठीक है भाई जी, फिर दफ्तर
कोई इलेक्ट्रिक सामान Thank you.